पाठ 12-15 का ए बहुविकल्पी प्रश्न MCQ का एक। टू आर अर्धव्यास वाले ठोस गोलक का आयतन होगा ए 32 πr³/3 घन इकाई, बी 16 πr³/3 घन इकाई, सी 8 πr³/3 घन इकाई, डी 64 πr³/3 घन इकाई। तो चलिए देखते हैं ठोस गोलक का आयतन क्या होगा। सूत्र बैठाएंगे और r की जगह पर 2r का मान रखेंगे, उत्तर निकल जाएगा। आयतन का सूत्र है 4πr³/3। चलिए तो 4 का मान तो वही रहेगा 4π, r की जगह था आपका 2r मान दिला देंगे, q रहेगा ही 3। अब हम 2 का q कितना होगा 8, और r का q r ही रहेगा, तो r का q r ही रहेगा, 2 का q 8, 8 के साथ गुणा कर देंगे अंकों में, 8 × 32 पाई का पाई, 32 πr³/3 ये आंसर हो गया। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, उत्तर ए हुआ 32 πr³/3 घन इकाई। धन्यवाद। नमस्ते, पाठ 12-15 का ए का 2 नंबर सवाल MCQ। सवाल है, 2 ठोस गोलक के आयतन का अनुपात 1:8 होने से उनके वक्र तल के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो ठोस गोलक के आयतन का अनुपात 1:8 है, पहला का आयतन 1, दूसरा का 8, ये 1:8 ज़्यादा कम ज़्यादा है, क्योंकि उनका जो व्यास है अर्धव्यास है वह कम ज़्यादा है इसीलिए। तो चलिए गोलक का आयतन का अनुपात यानी 1/8, इसको 1/8 में लिखेंगे, 2 गोलक पहला गोलक बट्टा दूसरा गोलक बराबर 1/8। तो पहला गोलक का आयतन लिखते हैं, बताइए हम लोग का 4πr³/3, ये पहला गोलक का आयतन, बट्टा 4πr³/3, दूसरे गोलक का आयतन, वहाँ पर दिया हुआ था मान इसका 1:8 मतलब 1/8 हो गया। अब हम इसका एक चीज़ हमने कहा था कि जो आयतन ये 4 4π 4π 3 सब सेम है, ये जो 1 और 8 होने के कारण क्या था, ये जो अर्धव्यास है ना गोलक का, ये इतना छोटा है इतना बड़ा है, क्यों, क्योंकि अर्धव्यास कारण, इसका अर्धव्यास इतना बड़ा है इसका उससे बड़ा है, तो अर्धव्यास अलग होता है। तो मान लीजिए r है, इसका r1 कर देता हूँ, हो गया अलग, तो मान यह है। तो चलिए अब बनाते हैं, तो 4π काट दिए, 3 कट गया, तो r ये तो कितना आ गया आपका r³/r⁻³ कर देंगे बराबर। देखिए भैया एक है ना, इसको q में बदल दीजिए, 1 का q 1 ही होता है, और 8 के बदले हमको q में देखना है, 8 को q में बदलना है क्योंकि r q है, तो 2 का q 8 होता है, बदल गया। अब हम सबका q हटा दें, r का q हटा देंगे तो r बचेगा, तो इधर कितना बचेगा भैया, इधर 1, इधर r q है हटा देंगे तो r1 बचेगा,
इधर कितना बचेगा, दो। तो ये हुआ अनुपात। चलिए एक बार देखते हैं क्या पूछा है फिर से। तो बोला गया है उनके वक्र तल के क्षेत्रफल का अनुपात। भैया ठोस का जो गोलक है ना, गोलक का एक ही तल होता है, उसे अवक्र तल बोले, ठीक है, वक्र तल कहा जाता है। तो समग्र तल बोला जाए चाहे वक्र तल बोला जाए, उसका मतलब वही हुआ, ठीक है। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो दोनों का क्षेत्रफल देखते हैं। ये दोनों आयतन का अनुपात है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो यहाँ आयतन का अनुपात से हमने आर का मान निकाल लिया है, अब हम क्षेत्रफल का अनुपात निकालने जा रहे हैं। क्षेत्रफल का सूत्र गोलक का हमें पता है, 4πr² पहला गोलक का, दूसरा का 4πr² और ये दोनों r का अंतर है, तो वन कर दिए। तो ये हुआ आयतन, दोनों गोलक का आयतन। चलो मान निकालते हैं कितना होगा, 4π कट गया, r का मान यहाँ कितना एक है, तो चलिए एक का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ r1 का मान 2 है और r1 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो गया भैया, तो 1/4। और इसको इस टू में बदलिएगा, 1:2, ये जो इसका बट्टा होता है और इस टू में बदलना, तो ये आंसर हो गया 1:2। देखते हैं तो उत्तर हो गया आपका पहला 1:2। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम ये लग करेंगे अब। धन्यवाद, नमस्ते। 15 का पार्ट 12, 15 का ए का 3 नंबर, 7 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक ठोस अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल। समग्र तल का क्षेत्रफल 3πr³। अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल 3πr³, जी नहीं, 3πr² 3πr² होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पाई का मान उसी तरह है, 3πr² 3πr² r की जगह पर 7 बैठा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं 3πr² अर्धगोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल। वैसे r² का आप समझ रहे हैं 7 × 7 = 49, 49 में आप 3 गुना करिएगा, 3 सामने है, तो 147π² आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं, तो अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल 3πr², ये समग्र तल का क्षेत्रफल है। अब मान बिठाएंगे 3πr का मान दिया था आपका 7, तो r की जगह पर 7 बिठा दीजिए, 7 × 7 = 49, 49 में आप 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 27 के साथ हाथ में 2 × 4 = 12 × 13 = 14, 147, ठीक है। तो भैया 147 अंकों के जगह लिख दिए, पाई का पाई बिठा देंगे, ये हुआ वर्ग इकाई आंसर। तो 147π² सेंटीमीटर। अगला 4 नंबर अब हम करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते। पाठ 12, 15 का ए MCQ का 4 नंबर सवाल है, एक ठोस गोलक के वक्र तल के क्षेत्रफल का अनुपात
16 अनुपात 9 होने से, अनुपात दिया हुआ है 2, एक नहीं भैया 2 होगा, दो ठोस गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल का फल का अनुपात 16:9 होने से उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल क्या होता है ठोस का? 4πr² दो गए हैं तो 4πr² / 4πr² बराबर 16/9। आर का मान निकालेंगे फिर आयतन का अनुपात निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। तो क्षेत्रफल का अनुपात है 4πr² / 4πr² यहाँ पर आर को हम अलग कर देंगे, अनुपात इस क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ था 16:9, तो 16:9 बैठा देंगे, 16/9। अब हम यहाँ काटे तो 4π कट गया। अब देखिए r² / 16 है तो यहाँ पर क्या करना है, r² है ना, इसको भी स्क्वायर में बदलेंगे तो 16 की जगह कितना लिखना पड़ेगा 4 स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा r² 16 को 4² बदल दिए तो यहाँ पर भी r² है तो 9 को बदलेंगे भैया तो 3² ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं r² 4² अब स्क्वायर हटा दीजिए तो r/r1 तो ऊपर में भी हो जाएगा आपका हट जाएगा तो 4 और नीचे हो जाएगा आपका 3, ये हो गया r का मान। अब आगे आयतन का अनुपात पूछा है, आयतन गणित की भाषा में 4πr³/r³³3 ठीक है, ये होगा आयतन गोलक का। चलिए अब हम आयतन का सूत्र बैठाएंगे बट्टा करके और फिर मान पूछा निकाल लेंगे। तो आपका जो सूत्र है वो क्या है आपका, 4πr³ है ना, 3 बट्टा फिर लिख देते हैं 4πr³/3, ये इसको 1 कर दिए अलग हो गया। अब देखिए 3 कट जाएगा, 4π कट गया, इसका मान r का मान कितना यहाँ पर 4 है तो 4 का कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा, 4 का क्यू है r का क्यू तो 4 का क्यू कर दिए। यहाँ पर r का 3 है, r का मान मिलाएंगे 3 तो 3 का कितना हो जाएगा क्यू। अब मान मिटा दीजिए, 4 का क्यू का मान 64, क्यू याद कर लीजिएगा आप, 4 × 16 = 64, 3 का क्यू मतलब 3 × 9 = 27, ये हो गया आपका 64। आपका अनुपात लिखिएगा तो 64:27, ये आंसर हो गया। चलिए मिलाकर देख लेते हैं, ये हुआ आपका पहला 64:27। धन्यवाद, नमस्ते। पाठ 12-15 का ए का 5 नंबर MCQ। एक ठोस गोल के वक्रतल के क्षेत्रफल व 3 गुना आयतन के संख्यात्मक मान के समान होने से गोलक का अर्धव्यास का लंबाई क्या होगा? देखिए वक्रतल के क्षेत्रफल, तो गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल एक हो गया, एक तरफ क्षेत्रफल गोलक का है तो 4πr² अच्छा 3 गुना आयतन, 3 गुना गुना चिन्ह देंगे और आयतन
आयतन क्या हुआ, 4 पाई आर क्यूब बटा 3, दोनों बराबर है, दोनों के बीच क्या करेंगे मान बराबर, तो बराबर देकर काटेंगे तो आर का मान निकल जाएगा। तो ये आर का मान कितना होगा पूछा है, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले आपका क्षेत्रफल है, फिर आयतन, 3 गुना आयतन, क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बराबर आयतन है 4, 3 गुना ना, 3 गुना 4 पाई आर क्यूब बटा 3 हो गया। तो आर का मान पूछा है, 3 से 3 कट गया, 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा। अब आर स्क्वायर आर क्यूब, तो देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो आर बचेगा, 3 गो है ना, यहाँ पर कुछ नहीं बचा मतलब 1, तो आर बराबर कितना हो गया 1। तो आर का मान कितना हुआ, 1 ही हुआ, उत्तर ए। अब हम 15 का भी करेंगे। धन्यवाद।